हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और आज के इस वीडियो में भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं खास। अब क्या खास है और कैसे यूज करेंगे इसको, वही देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम एक्सेस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट बटन पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर टाइप करते हैं एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारा ओपन हो जाएगा। ये 2021 है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक डेटाबेस हमारे पास पहले से है और उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, ये देखिए, ये 326 वाला, तो ये ले लेते हैं। और इस टेबल का जो नाम है आप देख सकते हैं, इस टेबल का नाम है माई टैब। क्या नाम है? माई टैब नाम है। और आप देखिए यहाँ पर राम लिखा है, सचिन लिखा है, सुमित लिखा है, रितेश लिखा है, सोनू लिखा है, मोनू लिखा है और अभिषेक भी एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। समस्या हमारे साथ ये है कि हमें एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिस क्वेरी के माध्यम से, अब देखिए पहले तो राम आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या चाहिए? पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए चाहिए, ठीक है, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, ऐसे चाहिए। यानी हमें शॉर्टिंग करनी है। शॉर्टिंग कैसे करें? तो शॉर्टिंग करने के लिए एक आसान सी क्वेरी बताता हूं। वो क्वेरी अगर आप लिखेंगे तो आराम से आप शॉर्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें नेम को शॉर्ट करना है, तो नेम को कैसे शॉर्ट करेंगे? सबसे पहले क्वेरी बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर, और क्वेरी डिजाइन पे जाके एसक्यूएल पर चले जाएंगे। और जैसे ही एसक्यूएल पे जाते हैं तो यहां पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट लिखा हुआ है, अब यहां पर आकर के क्या करना है, यहां पर आकर के डबल क्लिक करेंगे। पहले देखते हैं हमारे में क्या क्या है। आईडी है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो हमें यहां पर मान लीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट ही लेना है। तो यहां पर हम नेम ऑफ स्टूडेंट दे देंगे क्वेरी में। तो यहां पर लिखेंगे नेम, एन ए एम ई, नेम ऑफ स्टूडेंट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर गैप एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर आप नेम ऑफ स्टूडेंट लेंगे तो यहां पर तो ये गैप दिया गया है, और अगर हम गैप के साथ अगर इसे लिखते हैं, मैं दिखाता भी हूं आपको, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एस टी यू डी ई एन टी एस, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ही है शायद, हाँ बिल्कुल। और अब ये कहां से आएगा? तो फ्रॉम माई टैब, यही टेबल का नाम है ना, माई टैब। तो ये माई टैब हो गया। अब एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे जैसे, तो फिर नीचे जैसे ही हम आएंगे तो यहां पे लिखना होगा ग्रुप बाई। क्या लिखना होगा? ग्रुप बाई, ये लिख करके। और यहां पर आपको क्या करना है, ग्रुप बाई जैसे ही लिखेंगे तो यहां पे दे देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। क्या दे देंगे? नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एस टी यू डी ई एन टी एस, ठीक है। तो ये दे दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और टर्मिनेशन देंगे। लेकिन देखिए ये जो गैपिंग है ना, ये काफी ज्यादा आपको जो है एरर क्रिएट करेगा। कैसे करेगा? पहले तो इस टेबल को क्लोज करते हैं, क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं और क्लिक करते हैं। तो देखिए ये कह रहा है मिसिंग ऑपरेटर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स में ये कह रहा है कि आपने ऑपरेटर को मिस कर दिया है। तो हमें सबसे पहले तो ये सही करना है, यानी क्वेरी डिजाइन पे जाके ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स है इसमें हम यहाँ पे ये लगा देंगे अंडरस्कोर, ठीक है। जैसे ही अंडरस्कोर लगाएंगे ना तो हमारा सारा डेटा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया। अब यहां से इसे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आ गया, और इसी हिसाब से हम क्वेरी भी अपनी लिख लेंगे। यानी कि ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स है इसमें भी हम ऐसे ही कर देंगे, यानी अंडरस्कोर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर अंडरस्कोर लगा रहा हूं, और अंडरस्कोर जैसे ही हम लगाएंगे ना तो ये हमारा काम हो जाएगा और बड़े ही आसानी के साथ हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये अंडरस्कोर लगा दिया, फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर भी अंडरस्कोर लगा देंगे, और इस तरीके से हम इसे अब रन कराएंगे। तो देखिए यहां से जाके क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको रन करेंगे। तो देखिए पहले ए वाला नाम आ रहा है, फिर बी, अगर बी नहीं है तो सी, सी नहीं है तो डी, नहीं है तो ई, ऐसे करके ये आता चला जाएगा। और यही तरीका है कि आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो अपनी क्वेरी में थोड़ा बदलाव कर दीजिए। जैसे यहां पर